नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप। दोस्तों, आज के समय में कम उम्र हो या ज़्यादा उम्र हो, हर किसी को मोटापे की समस्या होने लगी है। मतलब कि मोटापा एक आम समस्या बन गई है। और दोस्तों, मोटापा का एहसास आपको तब होता है जब आपको मोटापे से समस्या होने लगती है या फिर आपको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि बीपी, डायबिटीज़। और अगर आपको बीपी या डायबिटीज़ हो जाती है और अब आप अपने मोटापे को कम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बीपी और डायबिटीज़ रहेगी, इसलिए दोस्तों आपको मोटापे से कोई भी समस्या होने से पहले ही आपको अपने मोटापे को कम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इन एक्सरसाइज को अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले एक्सरसाइज को। हमारे पहले एक्सरसाइज का नाम है जंप ट्विस्ट। दोस्तों, जंप ट्विस्ट करने के लिए आपको पहले सीधा खड़ा होना है। अब आपको अपने दोनों हाथों को आगे को लाना है। अब आपको जंप करके अपने दोनों पैरों को इस साइड आपको मोड़ना है, इस तरह से जंप करना है और मोड़ना है। अब आपको जंप करके दूसरी साइड में अपने पैरों को लाना है इस तरह से, और फिर जंप करना है, इस तरह लाना है दूसरी साइड। दोस्तों, इस तरह से आपको जंप करना है। और दोस्तों, आपका सिर सामने की ओर होना चाहिए, ना कि इधर उधर होना चाहिए। इस तरह से आपको नहीं करना है, इस तरह नहीं करना दोस्तों। आपको आपका सिर सामने की ओर होना चाहिए। और दोस्तों, आप अपने हाथों को इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं अपने हाथों को इस तरह से। इससे दोस्तों आपकी साइड की जो चाहिए भी है वह कम होती है बहुत तेज़ी के साथ, और यहाँ के जो मसल्स हैं वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं आपके। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आपको 10 मिनट तक करते रहना है। 2 मिनट करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर से आपको करना है। 10 मिनट तक आपको करते रहना है इस एक्सरसाइज को। अब दोस्तों, हमारे दूसरे एक्सरसाइज का नाम है बट किक्स। तो इसे करने के लिए आपको इसे सीधा खड़ा होना है। अब आपको अपने पहले पैर को इसे पीछे को लाना है, फिर नीचे लाना है, फिर दूसरे पैर को ऊपर लाना है, फिर नीचे लाना है। इसी तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको दोस्तों आपको करना है, इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आपको 5 मिनट तक करते रहना है। दोस्तों अब हमारे तीसरे एक्सरसाइज का नाम है इन एंड आउट स्क्वाट। तो दोस्तों, पहले आपको स्क्वाट की पोजीशन में आना है, इस तरह से पोजीशन में आना है आपको, इस आना है। आपका घुटना पंजे से बहुत आगे ना जाए, इसे ना, और अपनी पीठ को सीधा रखना है आपको। अब आपको अपने पैरों को फैलाना है इस तरह से, फिर वापस अंदर लाना है, फिर बाहर करना है, अंदर बाहर, इस तरह से आपको इन करना है, फिर आउट करना है, इन करना है, फिर आउट करना है। इस तरह दोस्तों आपको करना है इस तरह से, इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आपको 45 सेकेंड तक करना है, और आपको इसी तरह से आपको 5 बार करना है 45 सेकेंड। दोस्तों, अब हमारे चौथे एक्सरसाइज का नाम है स्क्वाट टू थ्रस्ट। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पहले इस तरह सीधा खड़ा होना है। अब आपको स्क्वाट की पोजीशन में आना है इस तरह से। अब आपको अपने दोनों हाथों को जमीन को टच कराना है इस तरह से, और अपने दोनों पैरों को जंप करके पीछे को लाना है, फिर जंप करके आगे को लाना है, उसके बाद खड़े हो जाना है। दोस्तों, फिर इसी तरह से आपको करना है इस तरह से, तो दोस्तों आपको इस तरह से करना है। दोस्तों, आपको इस एक्सरसाइज को 45 सेकेंड तक करते रहना है। और दोस्तों, आपको 5 सेट लगाने हैं इस एक्सरसाइज के। अब हमारे आखिरी और 5वीं एक्सरसाइज का नाम है स्टार जंप। तो दोस्तों, इसे करने के लिए आपको पहले स्क्वाट की पोजीशन में आना है इस तरह से। अब आपको जंप करके अपने दोनों हाथों को इस तरह फैलाना है, और अपने पैरों को भी फैलाना है। तो दोस्तों, इस तरह करना है आपको।
तो दोस्तों आपको इस तरह से करना है, आपके दोस्तों 30 सेकेंड तक इसी तरह से करते रहना है और आपको 3 सेट लगाने हैं इस एक्सरसाइज के। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।